साला वाला शिव मंदिर प्रांगण में हमारा 5 तारीख से एकादश उद्दशी महापुराणिक कथा हो रही है। और मैं अपने साला वाला क्षेत्रवासियों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि सब अपने सौहार्द का पूर्ण का भाव बना के रखें और अपने जीवन में सदैव भगवान महादेव जी की कही हुई चीज़ों के अनुरूप ही आप उसका स्वरूपण करें तो जीवन बहुत आनंदमय व्यतीत होगा। इसीलिए इस संसार में आए हैं तो आनंद के लिए आए, कर्म के लिए आए, कर्म ऐसा करें कि जिसमें आनंद आए। इसीलिए किसी से भी मन मुटाव या किसी प्रकार का भेदभाव बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं रखना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि परमात्मा सबको सद्गति दे और सबका कल्याण करे। वो आप बता रहे थे पंडित जी को इस तरफ। हाँ, और 9 तारीख यहाँ पे जो है हमने काल सर्वदोष निवृत्ति हेतु एक कार्यक्रम रखा है जिसमें मैं समस्त क्षेत्रवासियों से कहता हूँ कि आप आइए, अपने बच्चों का, अपना जो भी काल सर्वदोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, उसके निमित्त यहाँ पे पूजा है और उस दिन नाग पंचमी है। काल सर्वदोष की पूजा निःशुल्क भाव से मंदिर की तरफ से की जाएगी। आप सभी लोगों का आगमन। आपका नाम पंडित जी पूरा? और मैं जो हूँ साला वाला शिव मंदिर पुजारी पंडित जनार्दन पंत शास्त्री। मुझे यहाँ पे 30 वर्षों से मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ और बड़ा आनंद के साथ में पूरा जीवन ही व्यतीत हो रहा है। 7 लोगों का बहुत सुंदर सहयोग और सार्थक सिद्ध हो रहा है। सुनो थी ना, मैं ना हाँ मैं ना था।
सूरज का नाम, सूरज सूरज हमारे घर की उनका काम होता है, मैना था उनका, और उनकी बहन थी धात्या और एक बहन और थी जिसका नाम था कलावती। अब ये जो है पितरु ने इनको तीन जगह ब्याह, हिमालय राजकोट को व्याधि को मेनका, हिमालय राज और कपूर्णी राजा थे हिमालय राज है, और अन्य को कहेंगे अन्य राजाओं को बेटी देंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन शब्द है वो मेनका का ही है, राजा हिमालय की पत्नी का। अब उन सबने जब देखा कि पितरों ने अपने सुख समृद्धि के हिसाब से जो कन्या उन्होंने हिमालय हिमालय के पास अनंत धन संपदा थी, बहुत सुंदर बहुत आनंद जीवन थे उनकी मेरे लिए, तब जाकर जब उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को कहा कि अब तो जो है पितरों की उत्पत्ति यहीं से प्राप्त हुई है हिमालय के द्वार से, और पितरों के ही द्वारा पितरो सभी
कमरे बहुत सारे चौड़े हैं, महावीर जी ऊपर से एक कलयुग मंदिर है, नीचे बने बड़ी थाल खाई हुई है, वो भी इसलिए आगे हो गई है। हाथ पे कमल बंधु है, देवा के महावीर के कल प्रसाद का पेड़ बने हैं, तो मैं ना देखा तो यही है कि मुझे सारा सच्चा काम करने के लिए ना तो मस्तक हो गई भगवान महादेव के चरणों में। और भगवान महादेव ने देखा कि मेरा हाथ पूर्ण अपने समर्पण का भाव लेकर के बोला, ये मैना तुम क्या चाहती हो। महादेव की इतनी बड़ी कृपा हुई, उसने कहा प्रभु सदैव आप मेरे हृदय में विराजमान रहे, मेरी यही चाह है, मैं अपने घर का तन मन धन सभी आपको स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं आगे आगे समझदार मानूंगा। महादेव की तपास को कहकर के चले। अब मेरा ने अपने घर में एक सुंदर सा भगवान शिव की चिन्ह रखा, जिसे हम शिवलिंग में बोलते हैं, वो रखा और उसका भी उत्तम साधु राम का दिया, जो जल चढ़ा है वो भी सबसे ज्यादा है उत्तर दिशा। हम जल चढ़ाने लगी तो एक दिन मन में आया कि भगवान महादेव जी जब मुझसे मिले तो उनका मुंह उत्तर को था, मैं भी उत्तर को मुंह करूंगी भगवान महादेव जी का। मैं मानू ऐसा सोच करके जल प्रभाव किया तो सीधे सीधे उत्तर दिशा में किसको प्राप्त हो रहा है, उत्तर दिशा में जो सिद्धि का जल जाता है किसको प्राप्त हो रहा है, पितरों को प्राप्त हो रहा है। पितरों को प्राप्त हो रहा है, पितरों से अनुकूल होते हैं, इसीलिए श्रावण मास में श्रावण का तो होना है, अभी आएगा पूर्णिमा अभी जो हमारे बेटा रुपये है समाज है उस स्वामी का बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं काफी कपकेश्वर महाराज जी, अभी जाना वहाँ से सारे काम जाते हैं वहाँ पर कर्तव्य करते हैं जैसे करते हैं सिर और शरीर किसके लिए फिर चुने कर्पण जाना स्वामी का मंदिरों के पुजारी हैं वो सारे जाते हैं, आपके उनके जो उसके जो बड़े अध्यक्ष हैं वो आपके मंगाई थी कथावासी जो इस सरकार से, तो आपको पता है कि पानी उत्तर दिशा में क्यों जाता है, कभी आपने सोचा सुनाए आपको इसकी कहानी कथा सुनाए कि उत्तर दिशा कोई क्यों जाता है और दक्षिण दिशा से आपकी घर से पूजा करते भगवान महादेव जी किस दिशा से करनी चाहिए, महादेव जी की पूजा किस दिशा से करनी चाहिए, आज इसका आपका कर ही लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब महादेव जी के पास गए तो महादेव ने देखा कि पूरा अपनी अकड़ में है, कैसा कि सारे देवता तो मेरे पास रहते हैं, देवताओं का वास कहाँ है पूरा दिशा में, तो उसको अपनी अकड़ है मेरे पास सारे देवता रहते हैं। और पश्चिम दिशा ने कहा कि तुम्हारे पास सब देवता है, उन देवताओं का आज
आगमन मेरे ही द्वारा हो रहा है। पश्चिम दिशा से ही सारे लोग काम चल जाते हैं, इधर से देखने को पश्चिमी दिखता है। तुमने कहा आगे को मेरे पास से तो पश्चिम दिशा में इसका घमंड था। उत्तर दिशा ने कहा कि तुम दोनों अपने घमंड में रहो। दक्षिण दिशा की उपहास कर लिया, दक्षिण दिशा के लिए उत्तर दिशा पर की हंसी मजाक बिटोरी करने लगा, क्योंकि दक्षिण दिशा हाथ जोड़ने के भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हैं। उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा बोल रही है कि बहन तू मेरी मजाक क्यों कर रही है। उत्तर दिशा बोली कि हम तो बड़े हैं, उठे हुए हैं, बड़े हैं, तू छोटी है, दक्षिण में रहते हैं, सारे बड़े तेरे तेरी तरफ आते हैं, फिर तो कोई चाहता ही नहीं है, सारे ऋषि का मुनि मेरे ही पास रहते हैं। दक्षिण दिशा को है हाथ जोड़ के भगवान की विनती करने लगी। महादेव ने देखा, उन्होंने कहा हे उत्तर तुमने अच्छा ही किया, अरे वो मेरी भक्ति कर रही है और धातु व्यवधान डालने वाला सबसे बड़ा पापी होता है, इसलिए आज के बाद जो भी मेरी भक्ति करेगा वो दक्षिण दिशा से करेगा। हे उत्तर उस भक्ति का जो जल आएगा वो तेरी तरफ आएगा, इसलिए हमेशा कभी भी हो दक्षिण दिशा से ही भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा को मुंह करके और जब उत्तर दिशा में जल का प्रभाव होता है उसको लांघते नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान महादेव जी का जो लिंग स्वरूप प्रादुर्भाव आते होते हैं उससे जो शक्तियों का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है निकलते हैं, वो हमारे शरीर की जितनी भी शक्ति को सोख लेती है, इसलिए नहीं उसको लांग दे, उस जल की धारा को नहीं लांगा जाता, वो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा शक्ति को अपनी तरफ खींचती है वो जल की धारा। इसलिए शास्त्र का सम्मत कहा गया है कि दक्षिण दिशा से भगवान महादेव जी की पूजा करनी चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर दिया। अब दक्षिण दिशा को इतना बड़ा आनंद हुआ कि उनका ये महादेव जी मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार की, इसलिए मुझे सर्वोपरि माना गया, आपकी पूजा मेरे ही दिशा से मेरे ही तरफ से सफल मानी गई है। बोले शंकर भगवान की जय।
Thank you.
ओम संगम देश तत्त्वयं धर्मतमायं चोरे विरक्षां धर्मं पापं च बोधे सर्वं कष्टं च बोधे सेवा हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन।